उससे पहले काफी दोस्त और हमारे ग्रामीण और जो हमारे पानी भी हैं, सदर भी हैं यूनिफिकेशन की फाउंडेशन के, और जो मेजबान हैं तीन नंबर इंजीनियर लक्ष्मणी साहब, सियासी साहब और काशी साहब, और जितने भी दोस्त हैं जिनका नाम नहीं मैं ले सका, मॉडल की अब्दुल जबाल नासर साहब और राना साहब, जितने भी दोस्त हैं तमाम को मेरी तरफ से सलाम है, और इनका इनकी गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझसे पहले शुगर में काफ़ी अच्छी प्यारी मजदूर की है मेरे प्यारे भाई ने सैयद आदमी शाह साहब ने, बातों बातों में उन्होंने एक छोटी सी चूती बाटी है कि तीन खुराकें, मैं आज भी अपने दादे पे कह रहा हूँ इंशाल्लाह एक भी खुराक नहीं दूंगा, शुगर इंशाल्लाह कल रोड होगी। मैं आज भी इस बड़े मजमे में अपने दावे पे कायम हूँ, अल्लाह की रजा की अल्लाह की खुशनुदी लेकर मेरा जात मेरी मेरे से मैं कमाल नहीं है, तो इसलिए मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ बगैर मेडिसिन के इलाज बिल गजा डाइट प्लान से शुगर को कंट्रोल करूंगा और करूंगा भी तीन दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला। अब हम दूसरा जाल की तरफ चलते हैं, मैं आज चार फार्मूले दूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरा जो पहला फार्मूला होगा वो जो हार्ट बीट डिम हो जाती है जिसे जिसमें दिल की वर्किंग 25% रह जाती है और दिल पूरी तरह वर्क नहीं करता, तो उसको डॉक्टर उस आले तजवीज़ करते हैं कि ये इस तरह लगाएं ताकि आपका ब्लड अच्छी तरह सर्कल हो और एंट्रिकल वेंट्रिकल वाल जो ना वो अपनी पूरी तरह मुतहरक रहे, ब्लड सर्कल बाहर रहे, यानी मैं इसे कभी कलम लगा लें या सीधे कलम लगा लें कोई भी लगा लें, ये मेरा बड़ी देर से अजमूदा अमल है तो मैं चला रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो मैंने कहा वो आप दोस्तों की नज़र कर दूँ, ये बड़ा प्यारा अमल है, ये आप तमाम अदीबा हज़रात इसको जरूर बनाएं क्योंकि मेरे उसके इतने लंबे चौड़े नहीं होते, शॉर्टकट होते हैं, जो खुराकी होती है उन पर मेहनत आती है पर होते वो भी शॉर्टकट हैं, मेहनत जरूर आती है। मेरा पहला फार्मूला होगा उसका कि ये इंशाल्लाह ताला इस तरह दिल को इस तरह बेहतरीन करेगा, इस तरह आपकी हार्ट बीट को लेवल पे लेकर आएगा कि इंशाल्लाह आप इसे यूज करने के बाद अपने तमाम हार्ट के टेस्ट करवा लें, हर चीज इसी वगैरह करवा लें, आपके हर चीज सामने ओपन हो जाएगी। तो आप जरूर बनाएं, अपने मतलब की जीनत रखें, सिंपल सा फार्मूला है। हमें इसके लिए चाहिए चार चीजें, पहले चाहिए एक तोला कीक, एक ग्राम बरादा नुकरा, तीन ग्राम मरवारी अच्छे वाले, तीन ग्राम मरवारी अच्छे वाले, और एक पाव मगज पिस्ता जिसमें नमक ना लगाओ। ये कीक मेरे पास है, मैं लेकर आया हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रसार का सिस्टम शुरू करा कर रहा हूँ करीब, जिसका इस्तेमाल सैयद उस्मान शाह गलानी साहब जो बानी यूनिफिकेशन फाउंडेशन और सदर भी हैं, जिनके मुबारक दस्त से इंशाल्लाह ताला मैं इफ्तिताह करवाऊंगा और तमाम दोस्तों को भी दावत दूंगा इंशाल्लाह करीब। ये एक तोला कीक लेना है, कीक अच्छे वाला लेना है, एक तोला कीक लेकर फिर आपने अरे गुलाब लेना है जरूर, ये जरूरी नहीं है कि अरे गुलाब जो शायद लेना शायद 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 ये जरूरी नहीं है कोई अच्छे वाला में करा ना मुनसर आए आपके पास या ना आपके पास मिल सके, तो ये दित्तू कंपनी का होता है ना वो भी चलेगा, ये शायद सब दित्तू कंपनी का ना वो भी चलेगा। आपने क्या करना है, कीक को कठियाली से डालकर भट्टी में सुरख कर देना है, जब जब बिल्कुल सुरख हो जाए इसे अरे गुलाब में बचाओ दे रही, जब ये ठंडा हो जाए फिर निकाल लें फिर सुरख कर दे, ये भी प्रैक्टिकल करेंगे, फिर इसको बचाओ दे दे। इस तरह आपने 5 से 6 मल कर रहे हैं, अगर आपका अरे गुलाब अलग क्वालिटी का होगा तो 3 बजाओ काफी है, नहीं तो 3, 4, 5 तक 7 तक भी जाना पड़ता है, ये यहीं पे खिड़ जाएगा वाइट रंग का हो जाएगा, फिर इसको खल में डालें पाउडर डालें, पाउडर करके इसमें 1 ग्राम बरादा नुकरा शामिल कर दे और 3 ग्राम मरवारी
अच्छे वाले आर्टिफिशियल नहीं अच्छे वाले मरवा दी दाहो करके 15 तोले अबे गुलाब थोड़ा थोड़ा करके से कलर करते जाए फिर इसकी टिक्की बना ले टिक्की बनाकर फिर मगर पिस्ता के नुकदा के दरमियान रख के सैंपल करके बाद अस गिल हिकमत इसे आपने 15 से 20 किलो की भी 25 किलो की भी आग दे दे जितनी आग देंगे बेहतर निकलेगा फिर इसे निकाल लें फिर इसे खरल में पाउडर करें फिर इसमें 15 तोले अरे गुलाब सैर शाह अच्छे वाला शामिल करके टिक्की बनाकर फिर इसे इसी अमल को दोहराए ये आपने 3 से 4 अमल करने हैं बेहतर है कि 4 कर ले 3 में भी बेहतर है ये आपका बहुत आला क्वालिटी का कुश्ता तैयार होगा जिसकी एक चावल से एक रत्ती खुराक है दुआ मिस के साथ या खमीरा ऑपरेशन की अरशद वाले के साथ या कोई भी अपना बनाया हुआ हो ना उसके साथ आप दें तो इसका रिजल्ट ले और दुआ में मुझे याद रखे ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है इसे आप नोट कर ले इसकी तहरीफ शुदा कापी भी मेरे ख्याल में आपको मिल जाएगी इसके बाद मेरा दूसरा फार्मूला है जो कीमिया में भी काम करता है और टिप में भी बड़ा काम करता है मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं यूनिफिकेशन में वो फार्मूले लेकर आऊं जो मुझसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ने नहीं दिए होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आयरन पे काम करूंगा लोहे पे ठीक 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम लोहे को चांदी के मेल्टिंग पॉइंट पे लेकर आ जाएंगे और वो किसी हद तक मेल्ट फ्री भी होगा चांदी के मेल्टिंग पॉइंट पे लेकर आ जाएंगे और इसकी आगे चार मैं बताता हूँ खुराकी भी नुस्खा हम नोट कर लें नुस्खा ये है कि आपने ये करना है कि आपने लेना है एक लहसुन उफ़ैम भाई कह रहे थे ना कि केमिकल में मैं बाबा ने इनको मतलब लाइक कर पड़ा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह निशा साहब भी फैम साहब भी हमारे जो दोस्त मेहनत करते हैं मैं साहब का शुक्रगुजार हूँ उनका ताबेदार भी ये बड़े बड़ी अच्छी मजबूत टीम हो रही है तो आज केमिकल पे बात नहीं होगी फिर हरदम पे बात होगी ये लहसुन लेना है आपने लहसुन ये तकरीबन 1 से 1.5 तोला लहसुन और इसके बाद सिमरबार जर्द ये सिमरबार देख ले ये अल्हम्दुलिल्लाह प्योर आला क्वालिटी का सिमरबार जर्द है और इसके बाद लेना है बराता दोहा ये 1 तोला सिमरबार जर्द 1 तोला बराता दोहा 1 तोला और सुहागा खिल 1 तोला पहले सिमरबार को बराते लोहे को और सुहागा खिल को खल करें जब खल ये फिर सोम की पूरी झील का एक एक टुकड़ी खल करते जाएं ये खल भी पेस्ट सा बन जाएगा फिर आस्ता आस्ता ये हार्ड हो जाएगा जैसे हार्ड हो जाए इसे काली की प्याली में डालकर भट्ठी पे रख दे भट्ठी चल ले आम भट्ठी छोटी सी भट्ठी ये देखते ही देखते हर चीज मेल्ट हो जाएगी हर चीज खत्म हो जाएगी आपके लोहे की रानी पड़ी होगी जो इंशाल्लाह किसी हद तक मैनर फ्री भी होगी और इसका आप जब भी इसे पकड़ाएंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट चांदी के लेवल का होगा और इससे आगे इसे खराकी तौर पर हमने किस तरह ले जाना है इस तरह ले जाना है कि इस लोहे को पाउडर कर ले पाउडर करने के बाद टैलकम पाउडर करने के बाद टेस्ट ट्यूब में 1 तोला से लेकर 10 तोले तक पारा डाल दे 20 तोले तक पारा डाल दे ये जाने नहीं देता बिल्कुल नहीं जाने देता जितनी ही रोहित होगी पर क्या हम इसे खराकी के लिए इस तरह करेंगे कि 1 तोला पारा नीचे डालेंगे ऊपर 1 तोला बराता लोहा डाल के पहले हल्की आग पे बिल्कुल टैलकम पाउडर कर दें फिर थोड़ी देर एंड पे फुल चूल्हा खोल देंगे ऊपर 25-30 घंटे पकाएंगे ये आपकी कलेजी कलर की दवाई तैयार होगी इसे खल करके बिल्कुल टैलकम पाउडर कर दें पारा इसमें मजबूत हो चुका होगा तोला लोहा तोला पारा डाला तो पूरा 2 तोले वजन आपके हाथ होगा फिर इसके बाद आप इसके साथ अर्क लगा दें कोई बूटी का पानी लगा दें किसी का भी लगा के खरल करके फिर इसकी टिक्की सी बनाकर फिर टेस्ट ट्यूब में डालकर इसे इसी तरह पकाएं ये 4 पकाई करनी है आपने 24-24 घंटे ये आपका कुश्ता तैयार है ये एचबी को पूरा करता है
और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड कैंसर की एचपी को पूरा करने के लिए ये सबसे टॉप का आयरन का पुष्टा है। इससे पहले आपको किसी ने चांदी पारे की, तांबे पारे की, सिक्के पारे की, कली पारे की गिरा तो बताई होगी, और लोहे पारे की गिरा अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा दे रहा है। इसके बाद जो दूसरा आपको होगा मेरा, इसमें जो काली गुठाली आपने बताई, नंबर नहीं बताया काली गुठाली का। काली गुठाली का नंबर ले ले, तीन नंबर ले ले, थोड़ी सी भरी ले ले, ठीक है, वो भी आपके सामने प्रैक्टिकल हो जाएगा इंशाल्लाह, मतलब पब्लिक को समझ आ जाए। दूसरा इसके साथ जो है ये लोहा आपका मैग्नेट फ्री होगा, यकीन के मुतालिक है। ये भी जो लोग खरक महकमा में उनको गिफ्ट दे के जा रहा हूँ, सोना बने चांदी बने वो आपका नसीब है। जिन लोगों की इल्मे सन्यास और कीमिया पे गहरी नजर है, वो लोहे को समझते हैं कि आयरन का कीमिया में क्या मुकाम है। जब तक आयरन नहीं आएगा आपकी कीमिया कंप्लीट नहीं होगी। ये छोटा सा अमल है, ये भी 25-30 मिनट का अमल है। आपने क्या करना, एक तोला लोहा बरादा, एक तोला सिमल पार, एक तोला पतली कास्ट, इनको खरल में जैसी खरल करेंगे आपका लोहा बरादा खरल में ही चरक खा के तेल होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे लोहा पर तेल होता है, चरक खा के पिघलता बकायदा बरादा लोहा चरक खा के तहलील होता नजर आएगा। जब इसकी पतली सी मोम बन जाए, लीक्विड मवाद बन जाए, इसे भी काली कठियाली में डालकर, पहले काली कठियाली सैंपल की हो, काली कठियाली में डालकर सैंपल करके, काली कठियाली के पेंदे को नीचे से सैंपल करके इसे भट्टी में 35-40 मिनट का चक्कर दे देंगे, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट चांदी से नीचे आ जाएगा और हमेशा इसी मेल्टिंग पॉइंट पे रहेगी, ये भी पार्टी को नहीं जाने देती। तो इसके बाद मेरा एक चौथा अमल है, वो मैं बड़ी देर से चला रहा हूँ, तो ये भी आप नोट कर ले, ये अपने मतलब की जीनत बनाए। तो ये तो मैं अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह कई मरीजों को वैसे ही दवाई दे देता हूँ, इसके साथ मैं काफी लश पा देता है। सिंपल सा फार्मूला है, आपने लेना एक पाव मीठा सोडा, आध पाव लेनी है फरकड़ी सफेद, एक पाव मीठा सोडा, आध पाव फरकड़ी सफेद। फरकड़ी को तवा पर खेल कर लें, जब फरकड़ी खेल हो जाए, जब फरकड़ी आपकी खेल हो जाए, खिल होने के बाद आपने उसका वजन नहीं देखना, जितना भी हो उसे मीठे सोडे के साथ खरल कर दें। तो आधे टीस्पून से एक टीस्पून सुबह और शाम आप आधा गिलास पानी का और आधा गिलास सेवन अप का या पदर का कुछ भी कर ले, आप सादा पानी से भी दे दें, इंशाल्लाह 4-5 दिन के अंदर अंदर ये पथरी को भी डिस्चार्ज करेगा और जो गुर्दों की प्रॉब्लम और किसी हद तक ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन को भी नीचे लेकर आता है, दर्द को इंशाल्लाह ताला फौरन खत्म करेगा। तो ये मेरे फार्मूले थे, तो हमें याद रखे, किसी दोस्त ने पूछने है बात तो मैं पूछ लेना हाजिर। मेरा नंबर नोट कर ले, मेरा नंबर है 0300 मीठा सोडा एक पाव, बरकरी सफेद आध पाव। मेरा नंबर नोट कर ले, मेरा नंबर है 0300-669-6074 और दूसरा मेरा नंबर है 0315-669-6074। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह वसीला। थोड़ी सी तमाम से दाम जो दिन दराज से आए हैं उनको मौजा फरमाए, तो उनके लिए तालियां हो जाए। आप इसमें चले थे, मेरा ले लो।